रेलवे के विकास की बात होते ही घाटे की बात की जाती थी, लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ति हो, नियत साफ हो और निष्ठा पक्की हो तो नए रास्ते भी निकल ही आते हैं। बीते 9 वर्षों में हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर वर्ष औसतन 600 करोड़ रुपया। आप बताइए, 600 करोड़ रुपए रेलवे बजट था, कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेलवे में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी ना किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, अब हर साल औसतन 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार।